हेलो स्टूडेंट, सो आई हैव रेड योर कमेंट्स एंड अ लॉट ऑफ यू हैव बिन आस्किंग मी टू गिव यू अ फॉर्मेट ऑफ FIR एंड RTI. सो दिस वीडियो इज़ अबाउट FIR एंड आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन RTI फॉर्मेट. ऑल दो द फॉर्मेट इज़ ऑलरेडी गिवन इन द बुक, बट आई थिंक देर इज स्टिल सम कन्फ्यूजन, सो दैट्स वाई दिस इज़ द वीडियो फॉर द FIR. सो FIR इज़ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि आप अगर पुलिस स्टेशन में आपको किसी चीज़ के बारे में फर्स्ट इंफॉर्मेशन देनी होती है, यानी कि क्राइम, कोई भी क्राइम या ऑफेंस हुआ तो उसके बारे में आपको पुलिस को रिपोर्ट देनी होती है, तो उसके लिए लिखा जाता है. सो बेसिकली दिस इज़ गिवन टू यू सो दैट आफ्टर द कॉलेज यू विल बी एंटरिंग इन टू द रियल लाइफ सिनेरियो. सो वहाँ पे होपफुली आपको ना ज़रूरत पड़े, बट स्टिल अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपको पता होगी आपको कैसे लिखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेंशन है क्या क्या आइटम्स जो हैं वो इंक्लूडेड होनी चाहिए. सो FIR के बीच में सबसे पहले पुलिस स्टेशन का नाम, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पर्सनल डिटेल्स, कंप्लेन के बीच में आपका नेम, फादर्स या हस्बैंड्स नेम, एड्रेस एंड आपका फ़ोन नंबर, ये चीज़ें मेंशन होनी चाहिए. फॉर्मेट थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, इट्स नॉट दैट वेरी कॉन्क्रीट फॉर्मेट, बट डिटेल्स मिसिंग नहीं होनी चाहिए. अगर डिटेल्स सारी हैं तो FIR सही है. देन प्लेस ऑफ अकरेंस, कहाँ पे क्राइम हुआ है, डिस्टेंस कितना है पुलिस स्टेशन से, किस डायरेक्शन में हुआ है. देन डेट एंड आर ऑफ अकरेंस, किस डेट पे हुआ है और कितने बजे हुआ है, बिकॉज इट विल हेल्प पुलिस टू लोकेट द CCTV कैमराज एंड एवरीथिंग, सो दैट विल रियली हेल्प देम. एंड देन ऑफेंस क्या था, नेचर ऑफ ऑफेंस, मतलब क्राइम क्या चीज़ थी, मर्डर, थेफ्ट, रेप या क्या चीज़, इंसिडेंट क्या था. देन पर्टिकुलर ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर कोई चीज़ गुम हुई है, कार, मोबाइल फ़ोन, समथिंग, तो उस चीज़ के बारे में डिटेल. डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्यूज्ड, जो जिस इंसान के ऊपर आप लोग को डाउट है, या लेट्स से आपका फ़ोन चोरी हो गया, बिकॉज आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि किसी का फ़ोन चोरी हो गया, सो जो चुराने वाला है वो कैसा दिखने में कैसा था, या क्या डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो. डिटेल ऑफ विटनेसेस, अगर कोई विटनेस है वहाँ पे, उनका डिटेल, उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन. लेकिन ये सब देने से पहले, रियल लाइफ में अगर आप किसी विटनेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले उन विटनेस से कन्फर्म कर लें कि क्या मैं आपका नाम अपनी इस FIR में डाल सकता हूँ या डाल सकती हूँ. ओनली देन यू शुड राइट देयर नेम, अदरवाइज यू शुड जस्ट से दैट देयर वर पीपल प्रेजेंट, सो पुलिस शुड डायरेक्टली कॉन्टैक्ट देम. ओके, कंप्लेन ब्रीफली आप बताइए कि इंसिडेंट हुआ कैसे है. सो रियल लाइफ के बीच में आपको हमेशा दो कॉपीज रखनी होती है. सो यूजुअली एक कॉपी लिखने के बाद एक अपने पास रखें और एक पुलिस के पास दें, सो ताकि सबमिट करते टाइम पुलिस जो है वो भी रिसीव करके आपको दिखा दे कि हाँ, दे हैव रिसीव्ड योर कंप्लेन. दिस इज़ फॉर योर ओन सेफ्टी, बट एग्जाम के बीच में आपको ऐसे दो कॉपी नहीं बनानी, आपको एक ही FIR रिपोर्ट लिखनी है. सो योर पर्स हैज़ बिन स्नैच्ड व्हेन वॉकिंग टू मार्केट इन योर लोकेलिटी, फाइल एन FIR द लोकल पुलिस स्टेशन. सो ये क्वेश्चन जो है ये आपकी बुक में दिया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि आपका पर्स चोरी हुआ है, आपका मोबाइल फोन चोरी हो गया है. सो यहाँ पे एक सैम्पल FIR है जो कि मैंने लिखी है. सो दिस FIR इज बेस्ड ऑन द अबव फॉर्मेट, बट यहाँ पे मैंने मोबाइल चोरी होने का, आईफोन चोरी हो गया है, उसके बारे में मैंने कंप्लेन लिखी है. सो द फॉर्मेट इज सेम, स्टार्टिंग में आप पहले अपना नाम और फिर डॉटर ऑफ और वाइफ ऑफ करके जो भी आपने लिखना है, सो प्रियंका श्रीवास्तव, डॉटर ऑफ राजेश श्रीवास्तव, एंड देन एड्रेस, फ्रॉम योर होम एड्रेस, या आप किस कॉलोनी में रहते हैं, आपका एरिया कौन सा है, एंड पिन कोड एंड एवरीथिंग, एंड देन योर कॉन्टैक्ट नंबर, एंड देन द डेट, जिस डेट को आप FIR सबमिट कर रहे हैं वो वाली डेट. उसके बाद लिखा किसको जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है टू द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज, वट एवर पुलिस स्टेशन इज नियर बाय टू योर हाउस, जो जिस भी पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेन दे रहे हैं. देन उस पुलिस स्टेशन की डिस्ट्रिक्ट वगैरह और एड्रेस वगैरह भी, बाकी सारी चीज़ें आपको लिखनी होती है. बट सिंपली आई हैव जस्ट रिटन प्रीत विहार पुलिस स्टेशन, नॉट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स. अगर आप थोड़ा सा और एड ऑन करना चाहते तो आप पुलिस स्टेशन का भी फुल एड्रेस, जिस तरह से यहाँ पे आपने अपने घर का फुल एड्रेस लिखा है, उस तरह से पुलिस स्टेशन का भी फुल एड्रेस दिख सकते हैं. देन सब्जेक्ट, मोबाइल फोन थेफ्ट रिपोर्ट, मोबाइल फोन की चोरी होने की रिपोर्ट है. सो रिस्पेक्टेड सर, मैडम, वट एवर यू से, आई वुड लाइक टू ब्रिंग द फॉलोइंग फैक्ट्स टू योर काइंड नोटिस, मैं आपके नोटिस में ये फॉलोइंग फैक्ट्स लेकर आना चाहती हूँ. दैट देन योर नेम एंड योर फादर्स नेम एंड योर एड्रेस, अगेन यू राइट इट इन द फर्स्ट लाइन, आपको दोबारा लिखना होता है पहली लाइन के बीच में, जो कि आपके पुलिस स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर है. मॉर्निंग, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 8th मार्च, आई वॉज कमिंग होम आफ्टर माई मॉर्निंग वॉक फ्रॉम द लोकल पार्क नियर द मेन मार्केट. कहाँ पे हुआ क्राइम, कितने बजे हुआ,
और किस तारीख को हुआ। सो आप तब वापस आए थे अराउंड 7:30 नियर गुप्ता स्टोर। टू बाइक राइडर स्नैच माई आईफोन, उन्होंने मेरा आईफोन छीन लिया, दो बाइक चलाने वालों ने। देवर ऑन अ ब्लू कलर अपाचे बाइक। आई डू नॉट रिकॉल द फुल नंबर ऑफ द बाइक बट द लास्ट फोर डिजिट्स वर 4567। लाइक आई हैव गिवन एन इमेजिनरी डिजिट्स की जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो भी आप दे सकते हैं। दे वर वियरिंग ब्लू एंड ग्रीन जैकेट्स विद रफ डेनिम, बोथ ऑफ देम वर वियरिंग ब्लैक हेलमेट्स। सो जो भी डिटेल, वट एवर डिटेल यू वॉन्ट टू राइड, यू कैन एड सम डिटेल्स हेयर। आफ्टर स्नैचिंग माई फोन दे टर्नड इन टू लाइक 125/41 street। वो उस स्ट्रीट में गए, मैंने उनको उधर जाते हुए देखा। देयर वर सम आई विटनेसेस लाइक द गुप्ता स्टोर वर्कर्स एंड द लोकल वेंडर्स, कि वहाँ पे जो स्टोर पे काम करने वाले लोग थे और जो लोकल मार्केट वाले लोग थे, उन लोगों ने उन्हें देखा, रेडी ठेले वाले लोगों ने। आई एम सेंडिंग द फोटोज ऑफ माई फोन विद द कंप्लेन अलॉन्ग विद द बिल रिसिप्ट। सो मैं अपने फ़ोन की जो बिल की रिसिप्ट है, ताकि उसके ऊपर जो भी EMI नंबर वगैरह लिखा हो आप उसे ट्रेस कर सके, और अपने फ़ोन की फोटो भी भेज रही हूँ। आई सीक योर हेल्प and request you to kindly register my FIR in the subject matter. This line is like important, कि मैं आपकी help चाहती हूँ और अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरी FIR register करें इस detail के ऊपर। For your ready reference, I enclose here A copy of my ID proof. B अगर कुछ और आप add करना चाहते हैं, B copy of my mobile phone's photo. सी कॉपी ऑफ माई एड्रेस, वट एवर, जो वो ABC करके आपको अलग से मैंशन करना है कि कौन कौन सी चीज़ आपने बीच में अटैच करी है। देन लास्ट, होप यू विल डू द नीडफुल फेवरेबली एट द अर्लीस्ट, जितनी जल्दी हो सके आप उतना ये काम करेंगे। थैंक्स एंड रिगार्ड्स योर सिंसियरली, आपके सिग्नेचर एंड योर नेम। हो सके तो डेट डालने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, ऊपर डाली हुई है, सो नेम एंड सिग्नेचर इज इनफ। अगर कॉन्टैक्ट नंबर एक्स्ट्रा कोई और आप एडअप करना चाहते हैं, देन एड दैट राइट हियर। सो दिस इज द सिंपल फॉर्मेट ऑफ FIR, एंड आई विल अपलोड अनदर वीडियो अबाउट द RTI, सो प्लीज़ डू चेक द RTI ऑल्सो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड द वीडियो ऑल्सो। इफ यू नीड एनी अदर हेल्प, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई कीप चेकिंग द कमेंट्स, सो If I feel like a lot of students want something, then I'll try to make a video on that. And now you have a very less time for your exams, so please start preparing. अब इसको आगे के लिए डिले मत करो। Do not think कि कैसे भी करके एग्जाम हो जाएगा। Do not try to like just pass the exam. Try to score good marks. And for that, you need to study really hard. Okay? All the best for your exams, and please do check the next RTI video. Thank you so much.